हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको C65 5G फ़ोन है, तो पोको C65 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है, तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे ऑफ़ कर सकते हैं पोको C65 5G फ़ोन में, और कैसे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं पोको फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को ऑफ कैसे कर सकते हैं और कैसे बंद कर पाएंगे, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं। सिंपली आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है, तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को आप ऑफ कैसे कर सकते हैं और कैसे आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को बंद कर पाएंगे पोको फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो सिंपली आपके फ़ोन की सेटिंग्स से शो हो रही है, शो हो रही है, तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया। तो आपको इस पे जाना है बैक करके फ़ोन आइकन्स पे। फ़ोन आइकन्स पे जाकर आप रीसेंट ऐप्स पे क्लिक करते हैं, और जो भी आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑफ़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को भी बंद कर सकते हैं पोको फ़ोन में। और आप देख सकते हैं कि थ्री डॉट पे जाते हैं, सेटिंग्स पे जाते हैं, जो भी आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑफ़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से कॉल रिकॉर्डिंग पे जाना है, और ऑफ़ करने के लिए जैसे यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर ऑफ़ कर देंगे तो आपकी जो भी कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हो रही होगी वो ऑफ़ हो जाएगी। तो इस तरीके से भी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑफ़ कर सकते हैं, और यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं रिकॉर्डिंग को, जिससे आप कॉन्टैक्ट नंबर की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। एंड आप ऑफ़ कर देंगे तो कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर की रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ऑफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से भी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑफ़ कर सकते हैं पोको C65 5G फ़ोन में। एंड आप चाहें तो रिकॉर्डिंग को डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, जिंदा आप करना चाहें तो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।